हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि सर डब्ल्यू सी वेंटवर्थ की बायोग्राफी को कवर करें, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ डब्ल्यू सी वेंटवर्थ की बायोग्राफी को लेकर। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अमेरिकन पोएट डब्ल्यू सी वेंटवर्थ की बायोग्राफी को। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डब्ल्यू सी वेंटवर्थ वॉज बॉर्न इन 13 अगस्त 1790। यानी डब्ल्यू सी वेंटवर्थ का जन्म 13 अगस्त 1790 को हुआ था एंड डाइड इन 20 मार्च, और इनकी मृत्यु 20 मार्च को हो गई थी एट द एज ऑफ 81, 81 वर्ष की अवस्था में। पॉइंट नंबर सेकंड, द नेम ऑफ हिज फादर वॉज डार्सी वेंटवर्थ। इनके पिता का नाम डार्सी वेंटवर्थ था एंड हिज मदर नेम वॉज कैथरीन काउले, और इनकी माँ का नाम कैथरीन काउले था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही मैरिड विद साराह कॉक्स। इनकी शादी साराह कॉक्स के साथ हुई थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू सी वेंटवर्थ वॉज विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ। डब्ल्यू सी वेंटवर्थ का पूरा नाम विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डब्ल्यू सी वेंटवर्थ वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। डब्ल्यू सी वेंटवर्थ एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थे, एक्सप्लोरल यानी एक यात्री थे, जर्नलिस्ट यानी एक पत्रकार थे एंड पॉलिटिशियन, और एक राजनीतिज्ञ थे। ही वॉन द चांसलर्स मेडल। इन्होंने चांसलर मेडल को जीता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली कॉलोनियल न्यू साउथ वेल्स। यानी ये अर्ली कॉलोनियल न्यू साउथ वेल्स के लीडिंग फिगर्स में से एक थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड इन 1802। इनको 1802 में इंग्लैंड भेजा गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज एजुकेटेड एट अ स्कूल ऑफ लंदन। यानी ये लंदन के स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डब्ल्यू सी वेंटवर्थ रिटर्न्ड टू सिडनी इन 1810। 1810 में सिडनी से ये लौटकर आए। वेयर ही वॉज अपॉइंटेड, जहां पर इनको अपॉइंटेड किया गया यानी नियुक्त किया गया था एज ए एक्टिंग प्रोवोस्ट मार्शल। यानी एक्टिंग प्रोवोस्ट मार्शल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1823 यानी 1823 में ही पब्लिश्ड एन एपिक पोयम। इन्होंने एक एपिक पोयम पब्लिश्ड की जिसका टाइटल था ऑस्ट्रल एशिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही बिकेम द लीडिंग फिगर ऑफ 1820s एंड 1830s। यानी 1820 और 1830 के दशक में यह एक लीडिंग फिगर बन गए थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही डाइड इन इंग्लैंड इन 1872। 1872 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। बट वॉज बरीड इन सिडनी, लेकिन इनको सिडनी में दफनाया गया था। चलिए अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। नंबर वन, लव। नंबर सेकंड, ए कोस्ट व्यू। नंबर थर्ड, बोल्ड जैक डोनाहो। नंबर फोर, ए वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। नंबर फाइव, ऑस्ट्रल एशिया एन एपिक पोयम 1823। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ डब्ल्यू सी वेंटवर्थ। ये सारी की सारी
पोएम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी बायोग्राफी ऑफ डब्ल्यू सी वेंटवर्थ। आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।